देखिए, मैं पिछली 3 बार से विधानसभा में चुन के आ रहा हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि सदन के अंदर इस गेट, ये जो गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गेट के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, जो कि रॉयड कंट्रोलिंग फोर्स है, जिनके हाथ में लाठियाँ हैं, जिनके हाथ में शील्ड है, जिनके सर पे हेलमेट है और जिनके हाथ पास हथियार हैं, ऑटोमेटिक हथियार हैं, वो हथियार लेके सैकड़ों इस तरीके से जो है अर्धसैनिक बलों को इस हाउस के अंदर घुसाया जा रहा है। इनके पास अगर मैंडेट था तो इस हाउस के बाहर का था। ये कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से जो है आप डरा धमका कर MCD पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत गलत है और मैं देश के सांसदों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को आज नहीं रोका, आज नहीं टोका, तो कल को नरेंद्र मोदी जी की सरकार संसद के अंदर लाठी डंडे लेके फोर्स खड़ी करेगी, ताकि जो सरकार कहे वो सही है और अपोजिशन वाले अगर कुछ बोले तो उनको जो डंडे और लाठियों से जो है उनका जो मुंह जो है वो बंद किया जाए और लोगों की आवाज़ जो अपोजिशन पार्टीज उठाती हैं, जिसका हक अपोजिशन पार्टीज को रहा है, जिसका हक एक एक सांसद को, एक एक विधायक को, एक एक चुने हुए प्रतिनिधि को है, वो ये हक छीनना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और संविधान की जो मूल भावना है उसको ये मारना चाहते हैं।